हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमबीवर टॉक। माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म और आज की जो मेरी बहुत ही खास गेस्ट हैं, द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट, गुलमीना रिफत, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट द खैबर मेडिकल कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आज़म? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। और आपको मुझे इन सभी बहुत मैसेजेस आए हैं, फेसबुक भी मुझे मैसेजेस आए और हर यूट्यूब के नीचे उसमें कि गुलमीना को इनवाइट करें, तो द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। नहीं, मैं बहुत फारिग हूँ, इंसान हूँ, टाइम टाइम है तो अच्छा। पहले बुलाते तो मैं पहले भी आ जाती बस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, टेल मी अबाउट योर अर्ली लाइफ, कहाँ पे आप पैदा हुई और आपका आपकी स्कूलिंग लाइफ एंड कॉलेज। सही, ऑलराइट। सो नाम तो सबको पता लग गया होगा, पर नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा जी। तो सीन ऐसे है कि हाँ, आई बिलोंग फ्रॉम नौशेरा, लेकिन सिंस बाबा की जॉब इस्लामाबाद में थी तो वी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद जब मैं वन क्लास में थी। उसके बाद आई स्टडीड इन IMCG कुरंग टाउन, वहाँ तक मेरे मैट्रिक तक, तो 7 साल मेरी जिंदगी के वहाँ पे गुजरे हैं। तो वहाँ से बहुत लाइक वो अटैचमेंट हो गई थी, ठीक है। तो फिर आई शिफ्टेड टू 4G फाउंडेशन न्यू लालाजार, 2 साल मेरे वहाँ पे गुजरे। कैसे गुजरे मुझे याद नहीं है, बस 2 साल थे, गुजर गए। उसके बाद एंट्री टेस्ट हुआ, गैप ईयर आया, ठीक है। उसके बाद दोबारा एंट्री टेस्ट दिया और फिर यहाँ पे आ गई। अब 4th साल भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, और एक हफ्ते पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा कि प्रूफ दिए थे, अब एक हफ्ते बाद मैं 4th ईयर MBBS में बैठी हुई हूँ। अच्छा, तो कल मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा था। हाँ। तो उनको मैं कह रहा था कि जब मेरा FSC का टाइम था ना, MDCAT का टाइम, तो आई यूज टू वॉच गुलमीना के ब्लॉग्स। तो मैं कह रहा था कि गुलमीना होंगी, KMC होगा और कोई लाइफ होगी, मतलब ना, और आई यूज टू स्टडी एज वेल। तो आप, यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और आज जब मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो इट्स अ रियली रियली गुड फीलिंग। सही है, तो यू आर अ सोर्स ऑफ लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। और उसी को देख के आई स्टार्टेड माय चैनल एज वेल, और उसको मैंने कंटिन्यू किया फिर ना। नहीं यार, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। लाइक हम तो खैर कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि वो बैलेंस करना मैंने अभी तक नहीं सीखा, लेकिन मैं पता सोचती थी, मुझे जूनियर्स के मैसेजेस आते थे ना, व्हेन दे यूज्ड टू वॉच, इवन अभी रिसेंटली भी इंस्टाग्राम पे आई रिसीव कपल ऑफ मैसेजेस ना, कि वो लोग बताते होते हैं ना कि आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस वगैरह ना, जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के, अयूब के, खैबर गर्ल्स के ना। तो मुझे खुशी होती है कि जो 2 साल पहले मैंने वीडियोज बनाई थी उन स्टूडेंट्स के लिए, दे यूज्ड टू वॉच इट नाउ, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि आप गाइड करो, लेकिन वो वीडियो होती है, पड़ी होती है, व्हेन समवन नीड्स इट वो उसको खोल के देख लेते हैं। लेकिन मुझे भूला हुआ है कि मैंने इस किस्म की वीडियोस बनाई थी, ठीक है। कितनी बनाई थी मैंने, काफ़ी उस पर वो किया था काम। लेकिन जब वो मैसेज करते हैं ना, और जब वो दुआ देते हैं ना, तो मतलब बहुत खुशी होती है ना, लाइक यस, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, मतलब आखिरत के लिए वो दुआ कुछ हो गया, कुछ कुछ जमा हो रहा है, तो ये सीन है। अच्छा, तो उसके बाद बस यही है कि बस वही बात है कि यूट्यूब ऐसा सोर्स है, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह की वो चीज़ वहाँ पर पड़ी रहती है, इफ़ यू इवन डिसअपीयर तो वो वीडियोज एटलीस्ट वहाँ पर होती हैं। तो लेकिन मैं सोच रही थी, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कहती थी, मैंने कहा जूनियर्स तो मुझे टेक्स्ट पे करते हैं ना, तो आई साउंड्स मोर मैच्योर ऑन टाइम। तो ये जब यहाँ KMC में आएंगे मुझे देखेंगे ना, कहेंगे अच्छा ये वो गुलमीना बाजी, बिकॉज आई एम अ वेरी डम पर्सन, ठीक है, बहुत बहुत गूफ हूँ। नहीं नहीं, गूफ ये ना कि डम नहीं है, कम से कम सही है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारे जो कल्चर है ना, हाँ, तो ये ज़रा कंजर्वेटिव है। बिल्कुल, लड़के तो पोस्टिंग भी करते हैं, वीडियोज भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली ज़रा वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म ऑफ होती है ना, तो उनको इतना ओपनली अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता, या वो खुद नहीं करती। सही है, तो आप यहाँ पे थी मेडिकल कॉलेज में और आप व्लॉग्स शूट करती हैं, इंस्टाग्राम पे होती हैं, सो कैसा फील होता है? यार स्टार्ट में जब हम आए थे ना, बिकॉज आपको पता है जब वो इस्लामाबाद पिंडी से लोग आते हैं तो दे कम विद अ डिफरेंट माइंडसेट, जो यहाँ फॉर एग्जाम्पल स्वाबी और यहाँ से लोग आते हैं मर्दान वगैरह से, उनका थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट होता है, पिशावर के लोकल्स का फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अच्छा, जब आप एक जगह पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, यू इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो आपको अफेक्ट करेगा और हमारा माइंडसेट उनको अफेक्ट करेगा, तो वो एक न्यूट्रल कुछ बन जाता है, ठीक है। तो जब मैं स्टार्ट में आई थी तो लाइक मेरी क्लासमेट्स जो हैं, ठीक है, वो अच्छा मेरा पहला दिन ही मैंने सबसे पहले लड़कों से जाके बात की थी। अच्छा। मैं देख रही थी, मैंने कहा इनमें से कौन कौन से लड़के, ओके आई शुड गो एंड अप्रोच देम। तो वो पहले दिन ही मैंने जो है ना लाइक वो इंटरेक्ट बॉयज़ के साथ स्टार्ट कर दिया था। मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा, आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज़ आप शुरू से इस तरह थी, शुरू से इस तरह लाइक एक्सट्रोवर्ट एनर्जी, एक्सट्रोवर्ट एनर्जी,
मैंने कभी कॉ में पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं लड़कों को पहली दफा देख भी रही थी, लेकिन फिर भी यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, जाओ बात करो हो जाएगा देखेंगे, कॉन्फिडेंस पूरा है बंदी मुझे एक कम्युनिटी की मैम ने कहा अभी रिसेंट ओएसपी में के वाइवा सुन रही थी ना, तो शी वाज लाइक बेटा आप डिबेटर हो, मैंने कहा वाओ मैम इज सो इंप्रेस्ड, कभी कभार कर लेती हूं, कहते अच्छा तभी कॉन्फिडेंस ज्यादा है नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस फुल है उसके, फुल है बल्कि वो एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्फिडेंस नहीं होता वो है, लेकिन जो मेरी क्लास उनको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अभी अगर तुम हमारी क्लास को देखो, गर्ल्स को देखो, दे आर ऑलमोस्ट इन एवरी एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह, जो 3 सालों में मेरे क्लासमेट्स की ग्रोथ हुई है ना, तो इट्स वर्थ एप्रिशिएटिंग, और आई लव द जूनियर्स एनर्जी, आप जो हमारे इमीडिएट जूनियर्स हैं, फिर आप लोग क्लास आ गई, तो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह वो कल्चर वीक आप लोगों का एकदम हो गया था ना, तो आप लोगों की जो आपस में इंटरेक्शन थी, तो आई टोटली लव्ड इट, तो वो ऐसे सब न्यू जूनियर्स आएंगे, वो हमें देखेंगे तो कहेंगे ओके अब वो चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है, ठीक है, जो हमारा काइंड ऑफ जजिंग कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है, कि अगर एक लड़का एक लड़की बात करिए तो दे वर बीइंग जज्ड, तो ऐसा ऐसा वो चीज़ शुक्र है ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो ये आपके ख्याल में एक अच्छा स्टेप है या अच्छा स्टेप इनिशिएटिव है या मतलब और जो चीज वही बात है जो मामला इंसान और अल्लाह के दरमियान में होते हैं तो वी शुड लीव देम, बस अब हम यहाँ पे 5 साल पढ़ने आए हैं, फुल इंजॉय करने आए हैं, बस कर लेते हैं, क्या हमने जज करके और गॉसिप्स करके और गइबत करके हम क्यों अपनी आखिरत तबाह करें, 5 साल बाद आप कहीं और होंगे, मैं कहीं और होंगी, सही बात है, अच्छा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर ना एक आपने स्टार्टिंग में ब्लॉग्स आते थे, अब कम आते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज किस तरह चेंज हुई? सीन ऐसा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे होती है, कोर्स का इतना बर्डन नहीं होता, आपको पता नहीं होता पढ़ना कैसे है कैसे नहीं है, आप आते हो एंड यू वो भी वाली बात है, फिजिकल एंट्री टेस्ट पास कर लो, आगे मजे ही मजे है, नहीं मजे, तो उस माइंड सेट के साथ मैं थी ओके बस हो गया MBBS बहुत चिल सीन है, तो फर्स्ट ईयर हुआ उस मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो आई यूज वो होते ना स्टार्ट में आपकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे होती है, बस आपको होता है कि डेली कुछ ना कुछ आप बनाओ डालो डेली बनाओ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यहाँ पे आपको स्टडीज़ को भी टाइम देना चाहिए, आपको फ्रेंड्स का प्रॉपर टाइम होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप कभी कभार एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, तो आपको एक चीज से ब्रेक भी चाहिए होती है, हाँ, तो आपकी वो जो एनर्जी है ना, क्योंकि आप एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, हर एक से मिलना जुलना, तो डोंट यू फील ओवरवेलम्ड At times? होता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील होता है, तो फिर क्या करती हैं आप, हाउ डू यू कोप अप विद दैट? फिर आई गेस वो थोड़ा सा सेल्फ टाइम फिर मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा कि वो एनर्जी मेरी कंजर्व रहे, ठीक है, तो वो इसलिए आई लव प्रेप्स, ठीक है, यू लव प्रेप्स, आई लव प्रेप्स के अपनी मर्जी होती है, उठो पढ़ो, नहीं पढ़ने का दिल किया सो जाओ, और कोई वो नहीं होता, कोई आपको तंग नहीं करता, ठीक है, हाँ। कोई बुला भी रहा हो ना कि अच्छा यार गोली दर आ जाओ, मैं कहूँगी नहीं सॉरी ब्रो प्रेप्स चल रहे हैं, ठीक है, इवन अगर दोस्त ही बुला रही हो ना कि आओ पार्टी करते हैं, मैंने कहा नहीं सॉरी ब्रो प्रेप्स हैं, हालांकि इट्स नॉट लाइक मैं 24 घंटे पढ़ी होती हूँ, वो होता है कि टोटली मी टाइम होता है, अगर फिर मुझे बीच में ब्रेक लेना होता है तो आई प्रेफर टू वॉच समथिंग ऑन मोबाइल या लैपटॉप रादर देन गोइंग आउट, क्योंकि मुझे लगता है बाहर जाने से मेरी ज्यादा एनर्जी वो ड्रेन होगी, ड्रेन होती है, अच्छा, तो, और इंट्रोवर्ट्स का जो है तो मतलब उनके एक दो या मैक्सिमम 3 दोस्त होते हैं ना, हाँ, और दे हैंग आउट विद देम, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स मीट एवरी सिंगल पर्सन दे सी ना, लेकिन फिर भी आपका कोई कुछ खास लोग तो होंगे क्लोज पीपल, हाँ, जो होंगे जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सकती हैं या, हाँ, जिनसे आप काफी क्लोज होती हैं, यार एक्सट्रोवर्ट्स कैसे सीन होते हैं कि दे मीट ऑलमोस्ट एवरीवन ना, जूनियर सीनियर्स क्लास फेलो बॉयज गर्ल्स सब के साथ ना, लेकिन हर बंदे की लाइफ में ना क्लोज फ्रेंड सर्कल होते हैं, सो आई हैव देम, ठीक है, तो आई वुड लव टू नेम देम इवन के अरीबा अलीशा फिजा रिश्वा बीरा ये सारे सभी वो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे शायद, लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इसके लिए, सही है ना, आई सी द कमेंट्स, आई नेम्ड यू गाइस, तो यही मतलब अब अगर इन सब के कमेंट्स ना आए ना तो बस मैंने तुम लोगों को मार देना, देख लें आप, सही है ना, फिर ये लोग मेरे मजा नहीं आएगा, अभी कमेंट्स नहीं करते बस, कमेंट्स आप लोग यूट्यूब पे करेंगे वरना इसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, सही है, रील्स भी नहीं देखते यार, कैसे दोस्तों, फेक फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स नेक्स्ट, अच्छा, ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक एंड एंबिशनलेस, तो ये सीन, लेकिन ये होता है, अच्छा कभी कभी ऐसा सीन होता है कि जब मैं जा रही होती हूँ ना, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट आपको भी आइडिया होगा, ठीक है, जब हम जा रहे होते हैं ना और हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं तो everyone come and do सलाम ना, आप फिर जवाब भी देते हो कि अच्छा वालेकुम सलाम कैसे हो बच्चे इस तरह ना,
तो ये जब वो स्टॉप्स आ जाते हैं ना कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके कैंटीन तक जाना और इतने ज्यादा 100 स्टॉप्स आ जाते हैं, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले तंग हो जाते हैं। मेरे दोस्त कहते हैं गुलमी तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, बाद में जब तुम्हारे लिए प्रॉपर टाइम हमारे पास तो आ जाता। तो उस दिन ऐसा हॉस्टल में हुआ कि मैं मेस से रूम तक जा रही थी, तो रास्ते में काफ़ी स्टॉप्स हुए, तो मेरे साथ मेरी दोस्त थी एंड शी वाज लाइक ओके फाइनली मैं 2 घंटे बाद अपने कमरे में पहुंच गई एंड मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अच्छा इंटरेस्टिंग। अच्छा इसके अलावा ये बताएं कि आप गई थी यूथ इम्पैक्ट पे ना? बिल्कुल। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? यूथ इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली एक पीस लीडरशिप आप कह सकते हो कि कैंपेन है उनकी, एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो मैंने अप्लाई किया था जिसके लिए डेट वाज अ फुली फंडेड। अभी मार्क और उनका हो चुका है, आगे भी होगा, तो वो मेरे ख्याल से पेड है। लेकिन जो यूथ इम्पैक्ट का था कि सम सीनियर्स आस्क्ड मी कि गुल तुम जो है कॉलेज की इतनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हो, तो वाई डोंट यू स्टेप आउट ऑफ केएमसी और कुछ केएमसी के बाहर भी करके दिखाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें अप्लाई करो, तो वो फॉर्म जो था उसमें दे आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस जिसमें 400 to 500 वर्ड्स के आंसर्स देने होते थे, पीस बिल्डिंग पे, लीडरशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैंने वो फॉर्म फिल आउट कर लिया था। पहले मैंने बहुत सुस्ती दिखाई थी, करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा कि कर लेती हूँ। मैंने फॉर्म फिल आउट किया, उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए, इंटरव्यू से भी शॉर्ट लिस्ट, देन फाइनल सिलेक्शन हुई, देन आई वेंट। तो वन वीक का प्रोग्राम था और हम गए थे मनूर वेरी, तो बहुत बहुत खूबसूरत जगह थी। एंड मज़े की बात है कि हमसे 1 वीक के लिए मोबाइल्स ले लिए गए थे, सो वी वर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद एनी ऑफ फ्रेंड्स, और पेरेंट्स से भी बात करनी होती थी तो वो हमें अपने फ़ोन देते थे और कुछ मिनट्स के लिए ओके यू कैन टॉक टू देम, हाँ कि उनको हो के सेफ्टी इंश्योर हो, बाकी वो किसी से हमें बात नहीं करने देते थे। तो हम पहाड़ों पे गए थे बेसिकली, वेरी के दरमियान हमारे कैंप्स लगे थे और हमने कैंप्स में बकायदा 5 दिन और 5 रातें गुजारी हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत इंतहा की सर्दी थी और इतना था कि मुझे तो हाइपोथर्मिया हो गया था। एंड वो हमें सुबह 4:30 बजे उठाते थे और रात को 3 बजे सोने के लिए छोड़ते थे। और हमारी टीम्स बनी हुई थी, जो मेरी टीम थी उसका नाम टीम अमल था। आई गोट लाइक हम 8 लोग थे एंड मतलब अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम बीच में कभी कभार वीडियो कॉल्स भी कर लेते हैं, जिससे को तंग भी करते रहते हैं। हमने रॉक क्लाइंबिंग की, हमने हाइकिंग की, हमारे सेशंस होते थे पीस बिल्डिंग पे, काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स आए हुए थे, हमने कुकिंग की थी वहाँ पहाड़ों पे, ठीक है, और हमारे साथ प्रैंक्स भी बहुत हुए थे। और मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और नेचर के साथ जो कनेक्शन था ना, और हमें जो पीस वॉक करवाई गई थी और हमें वहाँ पे एक कब्रिस्तान पे भी लेके जाया गया, तो हमें बहुत सी रियलिटीज़ को फेस भी करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान से लोग जमा थे, तो एवरीवन हैड डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट स्ट्रगल स्टोरी। मेरी अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगलिंग स्टोरीज नहीं है, लेकिन जब मैं उनकी सुन रही थी ना, एंड वाज लाइक यार मतलब कितने कमाल के लोग हैं। कोई बास्केटबॉल प्लेयर था, कोई 14 सेकेंड्स में रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था, किसी के पेरेंट्स नहीं थे, वो अपने ओन पे कमा के पढ़ रहा होता था, कोई बिजनेस में, कोई फ्रीलांसर था, और कोई जो यूग्रेड प्रोग्राम के अलुमनाइज थे, ठीक है। तो बहुत मज़े का सीन था। और जब मैं वापस आई थी तो आई वाज लाइक यार मतलब इट वाज वर्थ गोइंग। और फिर मैं अपने दोस्तों को सारे सीनेरियोस बैठ के बता रही थी कि देखो ऐसा ऐसा, और हमारा कल्चरल शो भी वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद जब आपके फोन भी ऑफ थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी मतलब एक वीक डिटॉक्सिफिकेशन थी ना, बिल्कुल सोशल मीडिया वगैरह से, बिल्कुल। तो उसके बाद आपको आके फिर मतलब आपने फिर से स्टार्ट कर दिया था। और फोन कैसा होता था कि वो 1 वीक का तो हो गया था, और जब हमें आखिरी दिन पे फोन पकड़ा गया तो मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला, आई ओपन द स्नैपचैट कि हर बंदे के साथ मेरी तस्वीर हो, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे ख़ास से मुझे 2-3 हफ्ते लगे थे वो नॉर्मल जो हमारी रूटीन लाइफ होती है ना उसमें आने के लिए। उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, तो ये सीन हुआ था। और मैं बिल्कुल चुपचाप बंदी बन गई थी, मेरा ना दोस्तों से बात करने का दिल कर रहा होता था, ना घर में, ना कुछ और। वो बिल्कुल एक होता ना, वो उस वाले जोन में मैं चली गई थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो कन्फ्यूजन स्टेट नहीं होती, आपको पता नहीं लगता आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और आपने अपनी एक डायरेक्शन पे सेट करनी है, क्योंकि आपको बहुत सी रियलिटीज मिल गई, चेक्स मिल गए थे। तो आपको पे रिफ्लेक्ट करने के लिए मतलब टाइम चाहिए था टू प्रोसेस ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ये चीज़ भी सीखी कि यार मतलब लाइफ में किन लोगों का होना जरूरी है, किन लोगों का नहीं जरूरी, हाउ टू कॉप अप विद डिफरेंट सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल इट वाज गुड, राइट? इट वाज वर्थ गोइंग। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? यार मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, लाइक पागलों वाला।
आई वॉच टेस्ट मैचेस और डी आई टी ट्वेंटी फुल मैचेस और फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? यार पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, ठीक है, जो हमारे टॉप ओवरऑल अगर देखें, और यार मुझे विराट कोहली पसंद है, बहुत पसंद। तो बाबर आजम विराट कोहली में कौन पसंद है आपको? यार विराट कोहली। ये क्यों? यार विराट कोहली का ऐसा है कि उसको काफी टाइम हो गया आए हुए, ठीक है, उस बंदे ने जिस तरह माइंड गेम्स खेली है ना, ठीक है, बहुत कमाल का प्लेयर है। अभी 2-3 साल से उसका वो डाउन फेस चल रहा था, तो मैंने उसकी जब मैंने उसकी वीडियो देखी थी जिसमें उसने अपना स्ट्रगलिंग फेस बताया, क्योंकि एक तो विराट कोहली का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखो तो फॉलोवर्स आई गेस 50 मिलियन प्लस हैं, ठीक है, रोनाल्डो और मेसी के बाद मुझे लगता है जो एथलीट है वो विराट कोहली थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। तो उस बंदे ने ना अपना वो एक बनाया हुआ है, वो लाइक ही इज अ ब्रांड राइट नाउ, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रही हूं। सी बाबर आजम उस स्टेज पे, आई सी बाबर आजम टेकिंग ओवर विराट कोहली इन 5-6 years, क्योंकि अभी बाबर लाइक विराट कोहली का पीक हो चुका है, और इसका भी पीक नहीं हुआ। अभी बाबर आजम का पीक आना है, जो रियल पीक है, ठीक है, इस साल तो बाबर आजम ने अभी कल 4 अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन अभी उसका पीक आना है, अभी उसकी बड़ी गेम पड़ी है, मतलब बहुत, अगर वो इसी तरह खेलता रहा ना तो वो टॉप प्लेयर बन सकता है, मतलब अभी भी टॉप है, टॉप पे रह सकते हैं, लाइक वो कॉन्स्टेंट टॉप पे रह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा जो है आई लाइक वीडियोग्राफी। अच्छा, वीडियो, हाँ, ब्लॉग, वीडियोग्राफी नॉट जस्ट फॉर यूट्यूब और इंस्टाग्राम, कुछ जनरली बस मोबाइल में वीडियोज पड़ी रहती हैं, फिर दोस्तों की बर्थडेज होती है तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ एडिट्स कर लेती हूँ, बस वो शौक होता है, मेरा दिल करता है बस मैं एडिट्स मार लेती हूँ, अपनी क्लास की लड़कियों के साथ कर लेती हूँ, तो वो तो थोड़ी पर्सनल वीडियोस होती हैं, ऐसी बात है, लेकिन आई लव डूइंग दैट। फिर सोसाइटीज वाले पकड़ लेते हैं हमारे लिए वीडियो बनाओ वीडियो। आई लव मेकिंग वन वीडियो जो मैंने बनाई थी सोशल असिस्टेंस विंग के लिए, और वो मैंने अब्दुल बासित के साथ बनाई थी, वो बहुत फिट वीडियो बनी थी, उसमें वहनान भाई, अब्दाल भाई लोग थे, तो सनाबाजी लोग, तो वो बहुत जबरदस्त बनी थी वो, हमने एंड आई लव जुनेजो, आई फ्रीकिंग लव जुनेजो। अच्छा, बेस्ट आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? जुनेजो ही है, इरफान जुनेजो। उसकी आई वुड से कि उसकी एक वीडियो है, अगर ऑडियंस भी देखे, रीअश्योरेंस कुछ इस तरह नाम है आई गेस, रिडेम्पशन। हाँ, वो जिसने उसने बताया था वो हाउ टू गेन 1 मिलियन फॉलोवर वाली, जिसमें वो उसने एक 1 ईयर का गैप लिया था, उसमें भी उसके बाद आ गया था, रिडेम्पशन वाली वीडियो, हाँ, जिसमें उसकी मदर की डेथ भी हो गई थी, और फिर उसने बताया कि किस तरह वो एंजाइटी देता है कि अच्छा 100 फॉलोवर्स हो गए हैं, 1000 हो गए, 500 के हो गए, 1 मिलियन हो गए, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। तो बहुत सी चीज यार, वो वीडियो बहुत फिट है, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, अच्छा, तो जो मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका गैप ईयर का इशू आता है ना, वो एक साल अटेम्प्ट देते हैं लेकिन समहाउ दे आर नॉट एबल, क्योंकि हमारा मसला ये है ना कि हमारे पास में स्टूडेंट्स की जो अटेम्प्ट करते हैं ना, हाँ, उसकी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और उसमें बहुत माइनर लोग आते हैं, मतलब सिर्फ 1000 लोग आते हैं, तो वो असल में अटेम्प्ट सारे करते हैं लेकिन होते हैं बहुत कम लोग हैं, तो फिर वो लोग रिपीट करते हैं। तो आप भी रिपीटर थी, मैं भी रिपीटर था, और हमारे काफ़ी ऑडियंस जो वो रिपीटर है, तो आप उस फेज से गुजरी तो कैसे गुजरी, एंड उन लोग वो लोग जो इस फेज से गुजर रहे हैं उनको क्या टिप्स देंगी? ठीक, तो गैप ईयर का ऐसा सीन था कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैंने ऑनेस्टली नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, इवन जब मेरा टेस्ट हो रहा था तो मैंने सिर्फ 2-2 चैप्टर्स पढ़े हुए थे, क्योंकि इट वाज हार्ड शिफ्टिंग फ्रॉम फेडरल टू केपीके बुक्स, तो सब मुझे ईटा का इतना आइडिया नहीं था उस टाइम, ईटा हमारा था, अब तो एनएमडी कह रहे, तो गैप ईयर वाज टफ, क्योंकि लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा था, वो होता ना टॉप 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 टॉप, आप FSC तक टॉपर्स में रहो तो एकदम से आपका डाउनफॉल आ जाता है, तो वो जो डाउनफॉल था ना, इट हिट मी वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा। माय पेरेंट्स वर आल्सो डिसअपॉइंटेड कि यार मतलब क्या हो गया है ना, तो फिर बहुत गंदा टाइम था, लाइक 2-3 महीने तो बहुत बुरे गुजरे थे, लाइक बहुत ही गंदे वाले स्ट्रेस में, समझ नहीं आ रहा था वो, मतलब इट फेल्ट लाइक बस लाइफ एंड हो गई है यहीं पे ना, और अगर अभी भी गैप ईयर के स्टूडेंट से पूछो तो वो यही कहेंगे पढ़ा नहीं जाता, हमें कुछ पता नहीं है कि हम स्टार्ट कैसे लें, इट फील्स लाइक बस जिंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, रुक गई है। तो मैं खास से जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, आप फेलियर से बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ, इट्स द बेस्ट टीचर आई गेस। दूसरा ये कि फेलियर एक्सेप्ट करने के बाद जो आपने मिस्टेक्स की होती है ना, आपको रेक्टिफाई करना होता है। तीसरा ये होता है कि आपने, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ रोड, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप पैदा हो गए हो, आप
प्राइमरी एजुकेशन हो गई, सेकेंडरी हो गई, आप अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, आराम से आपकी जॉब लग गई, खाना पीना, फैमिली हो गई और बस डेथ, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत हर्डल्स आते हैं, आगे भी आने हैं, हर किसी की ज़िंदगी की एक एक लाइफ स्टोरी होती है। तो मैं खास से वो जो जब लाइफ में आपको एक हर्डल आता है, जब आप इंसान को ठोकर लगती है ना, तो इंसान बहुत कुछ सीख जाते हैं। सबसे पहले वो डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, वो हम्बलनेस सीख जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं FSC तक शायद बहुत ही कोई प्राउड किस्म की बंदी थी। ठीक है, क्या ओ वाओ मैं तो बहुत लाइक बंदी हूँ, ठीक है, नो वन कैन बीट मी, तो मैं मेरा वो माइंडसेट था। मुझे मेरी अम्मी कहती भी थी कि मतलब गुलमीना यू आर वेरी प्राउड और ये चीज़ तो मैं मरवाई की आगे जाके, वो मुझे कहती होती थी। मैंने कहा नहीं अम्मा ऐसा कुछ नहीं है इस तरह, ठीक है। तो मेरा ये एटीट्यूड अपनी बहनों के साथ भी था, तो शी हैड नोटिस्ड मी। लेकिन जब वो KPM में मुझे ठोकर लगी ना, फिर पता चला कि यार माँ जो कहती है ना ठीक कहती है। तो टफ था। उसके बाद मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, मैंने MM मतदान ज्वाइन की थी, साथ में मैंने NG कॉन्टेस्ट किए थे। तो अकेडमी मैंने मेनली इसलिए ज्वाइन की थी कि वो टाइम पास हो जाए, मेरे जो 3-4 महीने ना वो आधा साल मेरा बस गुजर जाए किसी तरह। तो मज़ा आया बस, वो वहाँ पे मैं जाती थी, पढ़ लेती थी, फिर मैं टेस्ट भी बीच में देती थी। फिर टेस्ट के आखिरी जब 2 महीने रह गए ना, तो मैंने फिर फ्रेशर्स के माइंडसेट से पढ़ना स्टार्ट किया कि अभी फ्रेशर्स पढ़ने बैठे, मैंने कोर्स सारा किया हुआ है, अब मुझे फ्रेशर्स को बीट कैसे करना है, क्योंकि वो गेम फिर फ्रेशर और रिपीटर्स की भी बन जाती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ पढ़ना पड़ता है और उनको अंदर घुसना पड़ता है, रिपीटर्स को पढ़ना भी पड़ता है, उनको अपने ये जो दिमाग की गेम होती है ना, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स कंट्रोल करना, दिमाग की गेम को कंट्रोल करना, उनको साथ में ये भी करना पड़ता है। और पीछे से खामखा पप्पो और चाचा और थाया और मामू वो लोग भी होते हैं सारे कि वो तो फेल हो गया, अब क्या करेंगे। मैं गांव नहीं जाती थी फिर। हाँ। मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे कि मतलब लेकिन ये है कि मैं भी इसी सीन था ना। हाँ। जब मेरा फर्स्ट एक दफा फेल हो गया था ना, तो मैं ऑब्वियसली जरा डिप्रेस्ड हो गया था। हां, लेकिन फिर जब उसके बाद जब जीत के आप गांव जाते हैं ना, उसका फिर मजा आता है कि हियर आई एम ब्रो। अभी मतलब 3 साल गुजर के ना, अभी 4th साल है, फर्क नहीं पड़ता आपको रिपीट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रिपीट किया, हमारे पास दोस्त हैं उन्होंने 2-3 साल रिपीट किए। Exactly, हाँ। हाँ, तो इससे एज का भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पैशनेट हैं और आपके पास इतनी हाँ, वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो गो फॉर इट। तो मेरे ख्याल से वो यही चीज होती है जो इंसान को ना इंसान बना देती है। और मेरे ख्याल से जो लोग रिपीट करते हैं ना, उनको फिर यहाँ आने का मजा भी आता है, मजा भी आता क्योंकि वो लोग फेल करके आते हैं, फिर उनको कदर भी ज्यादा कदर होती है कि हम एक दफा फेल हो गए थे। हाँ। और मेरे दोस्त चले गए थे। अब मेरा था ना, तो मेरे दोस्त हो गए थे स्वात में, अयूब में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं रह गया था, तो मैं उदास था कि सारे लोग हो गए अयूब में और मैं क्या करूंगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेक्स्ट ईयर KMC में हो गया। तो ये है कि मतलब वो अल्लाह ने वही बात है, मैं ये बात करती हूँ कि टाइम स्टैम्प्स अल्लाह ने रखे हुए हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ आपको अपने टाइम पे मिलेगी, ना पहले ना बाद में। ठीक है, अभी इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, अल्लाह ने रिस्क हमारे लिए सेट किया हुआ है, कभी ना कभी हम इंशाल्लाह अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। ठीक है, कुछ लोग इस एज में भी कमा रहे हैं, टीन एज में भी फ्रीलैंसिंग और बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश ना करें पाने की, ऐसा नहीं कि हाँ अल्लाह संभालेगा, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाकी जाहिर सी बात है जब अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ लिखी हुई है वो हमें मिलेगी। ये नहीं कि हम हाथ पैर बस ऐसे करके बैठे हाँ मेरी 4th पास हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। मेहनत शर्त है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। जो लेट से जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, UK अमेरिका हमसे क्यों इतना आगे है, ठीक है, यूरोप क्यों इतना आगे है, सारी गेम जो है ना मेहनत की है। ठीक है, लोग मेहनत करते हैं और अल्लाह पे मेहनत का सिला फिर सबको देता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, मेहनत का सिला सबको इक्वली मिलता है। ठीक है, तो ये सी बात है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाट्स इन योर फोन। सही है कि आपके फोन में क्या किया है फिलहाल? आई होप कुछ ज्यादा एंबैरेसिंग ना, लेकिन जो होगा वो आपने शो करना है। सही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ब्रो, जो होगा वो रियल होगा। सही है ना? अच्छा ये बताएं कि लास्ट पर्सन यू टेक्स्टेड ऑन व्हाट्सएप? हां, अच्छा व्हाट्सएप पे जो है मैंने जो टेक्स्ट किया है वो उस्मान बाबर भाई हैं फाइनल ईयर के। अच्छा, उनको टेक्स्ट किया। क्या कहा उनका आपने? मैंने स्टेटस लगाया था स्टेटस मैंने ये लगाया था कि हमारा जो यूनिफॉर्म है ना वाइट सलवार वाइट दुपट्टा, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा यार ये क्या एक अलग है ना, लेकिन जो वाइट सलवार वो कहते हैं कि ओवरऑल के ऊपर जैकेट, तो मैंने वैसे ही रेंट किया, मैंने कहा ओवरऑल के ऊपर जैकेट भी ना पहने तो हम करेंगे क्या, मैंने कहा बॉयज लुक सो कूल, ठीक है ओवरऑल है ना, मैंने कहा हम कूल ना लगे। अच्छा, तो बस सही है। ये बताएं कि लास्ट गूगल सर्च
मेरा क्या है, एक मिनट, हिस्ट्री टेकिंग ऑफ गायनेकोलॉजी, गायनी का वाचर है। अच्छा सही है, ठीक है। लास्ट कॉल आपने किसको की है? लास्ट कॉल मैंने तो किसी को नहीं की, मुझे रिसीव हुई थी अबीरा जो मेरी दोस्त है, उसने मुझे कॉल की। सही है। सेकंड लास्ट टेक्स्ट, सेकंड लास्ट टेक्स्ट, हाँ रीड सेकंड लास्ट टेक्स्ट, सेकंड मतलब जिसको आपने सेकंडली लास्ट मैसेज किया होगा उसका टेक्स्ट रीड करें। मैंने किसको किया है? मैंने तुम्हें किया है। क्या कहे? यू सेड वेयर यू एट, मैंने कहा मैं KTH वार्ड से बस आ रही हूँ। उन्होंने कहा ओके, इन फ्रंट ऑफ लाइब्रेरी वेटिंग। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा चलो कोई तो इंतजार करने वाला है। क्या बात है, अच्छा कोई तो इंतजार करने वाला है। अच्छा लास्ट सॉन्ग यू प्लेड? लास्ट सॉन्ग आई प्लेड, ओके लेट मी ओपन माई म्यूजिक, खुल जाओ खुल जाओ। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है यार? आजकल जो वो है कला मूवी आई है तो उसके सॉन्ग्स मुझे बड़े पसंद आए हैं, वो मैं रिपीट पे सुन रही हूँ। एक का नाम शौक है और एक वो जो घोड़े पे सवार, घोड़े पे सवार। हाँ, वो बड़ा। और जो लास्ट सॉन्ग मैंने सुना है ना वो कोक स्टूडियो का सुना है, आजारे मोरे सैया। अच्छा नाइस। और लास्ट टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम? लास्ट टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम जो मुझे रिसीव हुआ है, एक मिनट, ये है कोई जुमर खान ने किया है मेरी स्टोरी पे। और उसमें मैंने लिखा है कि मतलब मैंने स्टोरी लगाई गेस हुई सी फॉर आजम पॉडकास्ट, और उसने लिखा वेटिंग डेस्परेटली। आपने स्टोरी की दी? हाँ। कहाँ पे? ये अभी ब्रेक। अच्छा, ओह नाइस नाइस मैन नाइस। अच्छा। उसका मैसेज आया है कि वेटिंग डेस्परेटली। अच्छा सही है, गुड है। और ये अच्छा ये बताएं कि आप रैपिड फायर होगा ना अभी, ठीक है, आपको अगर एक सुपर पावर मिली तो आप कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करेंगी? लाइक व्हिच सुपर पावर वुड यू लाइक टू हैव? ये कि मैं गायब होकर फौरन जिस प्लेस पे जाना चाहूं वहां पहुंच जाऊं। तो क्या करेंगी आप अगर इनविजिबल हो गई? केएमसी में क्या करेंगी आप खास? इनविजिबल हो गई मैं लोगों के सीक्रेट जो टॉक्स नहीं होते ग्रुप्स में, वो सुनूंगी। कौन किसके बारे में क्या कह रहा है मुझे पता लगेगा कि मेरे बारे में कौन क्या बारे में। मुंह पे सब तारीफ करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ कि मेरे पीछे, मैंने आज तक अपनी वो बुराई नहीं सुनी ना, आई जस्ट वांट टू लिसन अप मेरी बुराई के कौन मेरी कर रहा है। अच्छा ये बताएं कि आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? वो यार वो एक्टर नहीं है, लेट्स गो, वो जो वहशी का एक्टर है खुशहाल खान, जो मुश्किल ड्रामा में भी था, वो शेप जो करता है वो। हाँ यार, नाइस गाइस, उसे कहो यार मुझसे शादी कर लो। कर लो। अच्छा ये बताएं आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है? फेवरेट जंक फूड, आई कैन ईट एवरीथिंग, लाइक आई गेस वो मेरा पास्ता बर्गर्स। अच्छा आप फूडी हैं कि नहीं मेरी तरह? बस नो मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत ज्यादा। मैं खाना लगता नहीं है लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। सेम हर किस्म का खाना। एक एक सीन। अच्छा ये बताएं कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? I would change, क्या चेंज करूँगी अपने बारे में? अब क्या चेंज करना चाहिए? I guess मैं something that you cannot change. I'm very embarrassing sometimes. मुझे पता है यार, मैं अपने दोस्तों को भी बहुत मतलब मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देती हूँ, तो हर कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करता ऑब्वियसली, मतलब हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है, लेकिन मुझे लगता है सब इक्वल है तो मैं सबके सामने ना बस बोल देती हूँ कुछ ना कुछ, तो आई गेस इट्स नॉट फेयर क्योंकि कभी कभार मैं उनकी बेइज्जती भी कर देती हूँ। आप में एक ऐसा ट्रेट व्हिच यू लाइक, कोई खूबी व्हिच यू लाइक अबाउट योरसेल्फ? यार सिंगल ट्रेट मुझे लगता है मैं मतलब आई एम इजी टू अप्रोच, मतलब किसी को कैन कम एंड टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, तो वो हेजिटेशन वाला फैक्टर किसी को नहीं होता, तो आई गेस आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगता है कोई बंदा आता है अपनी प्रॉब्लम बताता है और मैं उसको सुनती हूँ, फिर मेरे पास अगर सोल्यूशन हो मैं दे भी देती हूँ, तो आई गेस सो, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ये बताएं कि आपकी लाइफ एडवाइस क्या है, अगर किसी अपनी जिंदगी को एक नचोड़ में बयान करें, अपनी जिंदगी गुजरी ही कितनी है, 20 साल की साल बड़ी जिंदगी है, 22 साल 20 साल का छोटा था तुम, तो छोटे या तुम बच्चे हो अपने, बच्चों में छोटा सा, सही है। तो आपकी जो है तो सिंगल लेसन दैट यू लर्नड, द बिगेस्ट लेसन? यार अभी तो फोर्थ ईयर जैसे स्टार्ट हुई है ना, तो आई फील सो ओल्ड, मतलब बहुत ही ओल्ड फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा लाइफ एडवाइस यही कि यार जो 3 साल मेरे MBBS लाइफ में गुजरे ना, चलो पास्ट इज पास्ट, वो जो मैट्रिक FSC इट्स गॉन इज गॉन, लेकिन जो 3 साल गुजरे हैं ना, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज की है कि वन शुड लर्न टू से नो, ठीक है, जो मैंने अभी तक नहीं सीखा ऑनेस्टली। दूसरा है कि यार एनर्जीज को मतलब राइट जगह पे ना इन्वेस्ट करो, ठीक है, बट यू लाइक वहाँ पे इन्वेस्ट करो। यहाँ पे मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगी कि वो जो बच्चा है अवेस,
न्यू थर्ड ईयर का है, ठीक है, वो रिसर्च और इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व है माशाल्लाह, उसको पता भी नहीं होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो मुझे उसकी ये बात अच्छी लगती है कि वो अपनी एनर्जीज ना सही जगह पे यूज़ करे, जो बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदा है लेकिन उसके अपने लिए भी ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है. और तीसरा मैं ये कहूँगी कि जो आपकी हॉबीज़ हैं ना, तो उसको आपने बिल्कुल साइड पर नहीं करना किसी और रीजंस की वजह से. आपका मेंटल पीस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. चौथी बात आई गेस ये है कि यार 5 साल हैं, जितना इन्जॉय कर सकते हो करो. पढ़ाई भी जाहिर सी बात है, 5 साल में आपने पढ़ना भी है, फुल पढ़ना भी है, फुल इन्जॉय भी करना है, बैलेंस आपको करना है, दोस्त बनाने हैं. और कोशिश करें कि जितनी कंट्रोवर्सीज, गॉसिप्स और जो वो गीबत वाला जो कल्चर है आप उससे बचें. डोंट जज अदर्स, आप दूसरों को जज नहीं करोगे तो आपको कोई जज नहीं करेगा. हर बंदा अच्छा होता है, हर बंदा बुरा होता है, ठीक है, मतलब एवरीवन इज ग्रे, ठीक है. तो जब आप लोग अपना पर्सपेक्टिव ये बनाओगे ना कि सारे अच्छे हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छा लगेगा. एक बंदे ने आपके साथ बुरा किया नहीं है तो आप क्यों उसके बारे में गलत बात करोगे. एंड हाँ, आखिरी बात ये कि जो ग्रुप्स होते हैं ना, इफ़ योर फ्रेंड इन वन ग्रुप एंड योर फ्रेंड इन सेकेंड ग्रुप टू, ठीक है, तो ये जो एक ग्रुप की बात दूसरे ग्रुप में बताना डेट, ये अलग कल्चर नहीं होना चाहिए. बहुत मसला होता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. बस चिल मारो यार, हॉस्टल लाइफ में भी चिल मारो. रूममेट्स 5 हैं 6 हैं 10 हैं, बस चिल मारो यार, इन्जॉय करो, मूवीज़ देखो साथ. अगर प्राइवेसी चाहिए तो आस्क देम के आपको मी टाइम चाहिए तो साइड पे हो जाओ. वो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू. हाँ, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी की, ठीक है. हॉस्टल में वो बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो डू रिस्पेक्ट इट. और ये सीन होते हैं. हाँ, और एक और बात भी है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी बंदे ने बुरा किया है एंड आप उसको बार बार वो चीज़ फील करवा रहे हो तो डेट इज़ आल्सो रॉन्ग. आप जाओ, बात करो, बैठो, ठीक है, या तो अच्छे नोट पे अपनी दोस्ती या वट एवर इट इज़ उसको एंड कर दो, या फिर नए सिरे से शुरुआत कर दो, ठीक है. एंड करके यू कैन बी फॉर्मल कोलीग्स, लेकिन ये वाला सीन नहीं करना कि मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें पता है आज़म ने मेरे साथ क्या किया था. बताए तो वो मतलब चलो ठीक है, हम दोनों के दरमियान अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ तो वाई वुड यू टेल टू अदर्स या वाई वुड आई टेल टू अदर्स. इस तरह वो जो बाकी लोग हैं ना उनका दिल भी लेट से तुमसे भी बुरा हो जाएगा, मेरे से भी बुरा हो जाएगा. तो आई गेस ये वाला कल्चर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. बाकी फुल मजे हैं गाइस, जितनी लाइफ को कम कंट्रोवर्सीज में रखोगे मजे ही मजे हैं. चल मारो और पढ़ो, पढ़ो अच्छा, रोज करो, रोज पढ़ो. मुझे भी ये बताएं प्लीज पढ़ो. मैं ना 3 साल मैंने सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा था, मैं प्रेप्स में रोई थी यार, मैं बहुत स्वेयर उसमें चली गई थी. प्लीज पढ़ो, सेकंड ईयर का कोर्स ज्यादा है, बहुत मजे का है, पढ़ो, नजीब देखो रोज न्यूरो के लिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम. नो प्रॉब्लम, ऑनर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट. आई एम ऑनर्ड टू बी हियर. सही है. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह विद अ न्यू गेस्ट. और कमेंट करें कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा. सही है ना, कमेंट. और इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. नहीं, ना करें इसको प्लीज. रेंट्स एंड ड्राइव बेड्स, मेरा YouTube सब्सक्राइब करें. ट्रेंड पोस्टिंग वेट, आज मैं वीडियो अभी तक नहीं आ रही. ट्रेंड पोस्टिंग वेट, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे तो मैं वीडियो डालूंगी, नहीं तो मैं नहीं डालती. और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें, वो होते ना ट्रेंड पोस्टिंग वेट, इस पे फॉलो करें. और कुछ है हमारा? बस ना इंस्टाग्राम पर. स्नैपचैट नहीं, वो प्राइवेट है. व्हाट्सएप वो भी प्राइवेट है. वो प्राइवेट है. चलें, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.